तो भाई लोग फिर आगे में एक और बेहतरीन वाली जी टी फाइव स्प्रिंट एनएनएस की गेम प्ले वाली वीडियो में, और भाई साहब पिछले वाली वीडियो की बात करें तो पिछले वाली वीडियो में हमने एलियंस के साथ डील करी थी, हमसे एलियन मिलने आए थे, उनके साथ हमने डील करी थी कि हम उनकी हेल्प करेंगे एक यूएस आर्मी का ओ सीक्रेट प्रोजेक्ट हेलीकॉप्टर चुराने में, ठीक है, और वो चुरा के उन्हें दे देंगे, उसके बदले में वो हमें क्वीन जेट रखने देंगे। मजा इस वीडियो में तो पता है क्या करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भर के एकदम। ठीक है भाई साहब, अभी हम अपने रूम में हैं और यहाँ पे सिक्योर लाइन के ऊपर लेस्टर का फ़ोन आया था हमारे पास, और उसने हमारे से कहा था आज क्या कहते हैं हमें वो काम करना है, यूएस आर्मी का वो सीक्रेट प्रोजेक्ट चुराना है। उसके लिए उसने एक प्लान बनाया है भाई, जिस डिवाइस से जो एलियन थे वो टेलीपोर्ट हुए थे ना, वो जो है एक्चुअल में काफ़ी छोटा था डिवाइस। तो लेस्टर ने क्या करा, उस डिवाइस को हेलीकॉप्टर में काम करने वाले एक बंदे के थ्रू हेलीकॉप्टर के कंट्रोल रूम में पहुंचा दिया। वहाँ जो है हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस के लिए माउंट चिलियार्ड के ऊपर लैंड होने वाला है, साथ के साथ उसके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो भी सब भाई रहेंगे। तो उस टाइम पे जो है लेस्टर हमें और कई सारे एलियंस को उसके अंदर टेलीपोर्ट कर देगा, और हमारी तो कमांड कंट्रोल रहेगा हेलीकॉप्टर, जबकि जो एलियन होंगे वो हमारी हेल्प करेंगे उसे उड़ाने में और भाई वेपन वगैरह कंट्रोल करने में, क्योंकि भाई इतना आसान नहीं है उसे कंट्रोल करना यूज़ करना, ठीक है, कई सारे लोग लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो। और साथ के साथ भाई कुछ एलियन जो होंगे वो जो लोग वहाँ पे मेंटेनेंस कर रहे होंगे उन लोगों से लड़ने जाएंगे, और अभी बस हमें इंतजार है लेस्टर के हमें वहाँ भेजने का, टेलीपोर्ट करने का। ठीक है, तो भाई लोग अभी हम टेलीपोर्ट हो चुके हैं हेलीकॉप्टर के अंदर। भाई से लोग मतलब ही ख़तरनाक नहीं बोलते भाई, पूरा पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि उड़ता है, और माउंट चिलियार्ड के ऊपर ही है अभी, और हम इसके अंदर टेलीपोर्ट हो चुके हैं, सारे के सारे लोग अपने काम पर भी लग चुके हैं, हम भी एलियन भी भाई, हम इसे कमांड कर रहे हैं एलियन भाई उड़ाने में, वेपन वगैरह कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं, जिन्हें उनसे मेंटेनेंस वाले बंदों से लड़ने जाना था वो लड़ने चले गए, और क्या कहते हैं भाई से आसमान की ऊंचाइयों में लेकर चलते हैं अभी। ठीक है, हमें क्या है भाई इसे एक हायर अर्थ एटमोसफेयर में लेके जाना है, उसके साथ साथ हमें समुद्र के भी ऊपर लेके जाना है इसे, फिर वहाँ पे जो है ये लोग सेफ हो जाएंगे थोड़े से, और ये इसके इंडिविजुअल पैनल वगैरह भी चालू कर देंगे, तो फिर जो है ये इसके ऊपर रिसर्च कर पाएंगे और देख पाएंगे भाई ऐसा क्या है इसके अंदर जो इनके क्वीन जेट तक कोई छोड़ा इसने। डेक पे इतने सारे प्लेन है, ये 2 F-22, ये 3-4 F-35, और उधर भाई वो जो छोटा सा तुम्हें प्लेन दिख रहा है नीले कलर का पहली साइड, भाई ये जो है ये एक बहुत बड़ा कार्गो प्लेन है, मतलब अगर हम इसे एयर स्ट्रिप के ऊपर लगाते हैं ना इस प्लेन को, तो भाई ये पूरी एयर स्ट्रिप को घेर लेता है, और ये इसके ऊपर भाई ऐसा लगा है जरा सा बच्चा सा, तो भाई ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा भारी भी है इसलिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है भाई साहब, हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले आए इस हेली कैरियर को, और अभी यहाँ पे चारों तरफ भाई बादल ही बादल हैं, ऊपर भी नीचे भी कुछ ऐसा है नहीं, और एलियन बोल रहे हैं कि यहाँ से हम देख लेंगे, अब तुम जा सकते हो जब चाहो। तो अभी भाई हमें क्या करना है, यहाँ से भाई जंप मार देनी है इससे एयरक्राफ्ट के से, पैराशूट का यूज़ करके नीचे कूद जाना है, उसके बाद में जैसे ही हम इतनी हाइट पर आएंगे, और मतलब हमें ऐसी जगह पर कूदना है जहाँ पे इनलैंड लेक हो, मतलब ज़मीन के पास में लेक हो, जैसे कि हमारे वहाँ पे कुछ पिछले वाले घर में थी, हमें एग्जैक्टली उस लेक के अंदर नहीं कूदना, हमें दूसरी लेक के अंदर कूदना है, क्योंकि भाई वो इतनी गहरी भी नहीं थी, हमें एक बड़ी और गहरी लेक के अंदर कूदना है जिससे कि हमें गिरने का डैमेज कम हो, क्योंकि हमें क्या करना है जैसे ही हम भाई लेक में गिरने वाले होंगे, मतलब आरपीजी की रेंज में आएंगे बेसिकली विजुअल रेंज में, हमें अपने पैराशूट छोड़ के और नीचे कूदान मार देनी है, और फिर क्या कहते हैं लेक में गिर जाना है, और पानी की वजह से हम बच जाएंगे, है ना। तो ठीक है भाई, निकलते हैं यहाँ से, और अब एलियन जानने हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को, एलियन का काम जानने, हमने तो अपना काम कर दिया। ओए भाई साहब, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिर रहे हैं हम, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अभी तक नीचे भी नहीं पहुँचे। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे गिर गए हम पानी के अंदर। ठीक है भाई लोग, तो अभी अपने लिए सिम्योन लाया है ये बुगाटी सेंटो डीसी, और भाई साहब एक और बुगाटी लाया है सिम्योन, ये भाई पता नहीं कहाँ से उठा लाया है, क्योंकि भाई ये दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 ही बनी है। वैसे भाई इसके स्पेक्स की बात करें तो इसके अंदर है 8 लीटर का क्वाड टर्बोचार्ज W16 इंजन, और भाई बुगाटी शिरोन के अंदर सिर्फ डुअल टर्बोचार्ज ही था, इसके अंदर भाई क्वाड टर्बोचार्ज है, मतलब चार चार टर्बोचार्ज अलग रखे हैं W16 इंजन के अंदर, और भाई 8 लीटर का है तो शिरोन से हैवी थोड़ा सा मतलब बड़ा, और भाई मतलब ये मान लो शिरोन का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है बुगाटी सेंटो डीसी, और भक्ति बहुत तेज है लेकिन बस थोड़ी सी भी सड़क ख़राब है ना, और भाई बिल्कुल ब्लैक कलर में लाया है सिम्योन, एकदम बेहतरीन सी, क्योंकि ये खाली भाई 10 ही बनी है पूरी दुनिया के अंदर, भाई इससे ज़्यादा बनी नहीं, मतलब यार पता नहीं कहाँ से उठा लाया है इसे। ठीक है, तो भाई मैंने फेस कैम भी गायब कर दिया जिससे कि थोड़ी सी तुम स्पीड देख सको, और भाई ये आवाज़ है भाई सुनने की चीज़,
इसीलिए भाई मैंने थोड़ी सी आवाज़ बूस्ट कर दी इसकी। ओ भाई नाइस भाई, आवाज़ तो थोड़ी सी ओरिजिनल लग रही है, लेकिन स्पीड इतनी ओरिजिनल नहीं लग रही। नहीं तो भाई जो ओरिजिनल बुगाटी सेंटो डीसी होती है अभी तक भाई 300-400 प्लस पहुंच जाती, ठीक है, क्योंकि भाई शिरोन से हर एस्पेक्ट में अपग्रेडेड है। टर्बो चार्जर शिरोन से ज़्यादा है भाई, डबल है टर्बो चार्जर, ठीक है, इंजन भी ज़्यादा पावरफुल है शिरोन से, वेट शिरोन से कम है, कभी कभी 200 किलो वेट कम है शायद शिरोन से, है ना। और भाई हर एस्पेक्ट में सही है शिरोन से। और एक बात मैं इसका इंटीरियर वो दिखा देता हूँ एंड में, ये तो भाई है ही बाहर से, एक बार इसकी लाइट जला के दिखाता हूँ भाई, लाइट बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न में जलती है इसकी, यो है ना। और एक बार तुम्हें इसका वो दिखाता हूँ जैसे कि इंटीरियर है ना, तो भाई वही शिरोन से मिलता जुलता सा इंटीरियर है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सेम सेम सा ही हो। ये भाई सेम स्पीडोमीटर है और ये बस अपग्रेडेड है, मतलब शिरोन से, शिरोन के अंदर अपग्रेड है। और लेके चलते हैं फटाफट इसे अपने घर की तरफ, और भाई सिमियन से बोल के इसे भाई वापस ही भेज देंगे कहीं सेफ सी जगह पे, क्योंकि जैसे जैसे कांड अभी हम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है इसे अपने पास रखना सेफ होगा भाई, कभी भी अपने घर पे धूमधाम हो सकती है, तो हम तो क्वीन जेट लगे भाग जाएंगे अपने, क्वीन जेट है कुछ उकड़ने का नहीं, लेकिन भाई गाड़ी वाड़ी सब बर्बाद हो जाएंगी, और इतनी रेयर कार है भाई दुनिया के अंदर खाली 10 ही हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसे बर्बाद करना एक अच्छा आइडिया होगा। तो इसे सिमियन से बोल के कह देंगे कि भाई जहाँ से भी तुझे मिली हो छुप हो गई, सारा रिपेयरिंग का खर्चा ही बढ़ने का। खैर सिमियन से कह देंगे कि भाई जहाँ से भी तुझे मिली हो अच्छी बात है, अब क्या कहते हैं इसे संभाल के रखना है। और भाई ये देखो ब्रेक की लाइट कैसे जलती है भाई, एक तो एक सेकंड भाई ये देखो ब्रेक की लाइट भाई पूरा पीछे का वो रोशन हो जाता है। खैर इसके टायर से एक बार रगड़ा मार के दिखाता हूँ, तो ये भाई ये साइलेंसर की आग निकालने दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। और टायर से अगर रगड़ा मारते हैं तो भाई हल्का सा ब्लू ब्लू सा धुआं निकल रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे देखने में। और भाई गाड़ी तो है ही नेक्स्ट लेवल यार, इसका कहीं कंपैरिजन नहीं। यो ड्रिफ्ट, इतना ही था आज वाली वीडियो में। भाई साहब हमने जो है एलियन का हेली करियर चुराने में हेल्प कर दी, और अभी देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, मजा आया इस वाली वीडियो, पता है तुम्हें क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भर के एकदम, और मिलते हैं भाई की तरह अगली वाली वीडियो में।